कैलिफोर्निया से अगवा किए गए थे। चारों की गोली मारकर हत्या की गई। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। अमेरिका के कैलिफोर्निया के तीन दिन पहले अगवा किए गए पंजाबी परिवार के सभी सदस्यों के शव बरामद हो गए हैं। इनमें एक 8 महीने की बच्ची भी शामिल है। मस्ट काउंटी शेरिफ वर्न वानकेट ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने इस पूरी घटना को भयानक और डरावना बताया। चारों की गोली मारकर हत्या की गई। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया था कि चारों लोगों को बीते 3 अक्टूबर को दक्षिण हाईवे 59 के 800 ब्लॉक से अगवा कर लिया गया था। इस परिवार का अमेरिका में खुद का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है। यह परिवार पंजाब के होशियारपुर जिले के टांडा के हरसी गांव का रहने वाले हैं। मस्ट काउंटी ने से सोमवार को 36 साल के जसदीप सिंह, उनकी पत्नी जसलीन कौर और बेटी आरोही और 39 साल के भाई अमनदीप सिंह को अगवा किया गया था। कैलिफोर्निया पुलिस ने इस मामले में 48 साल के एक शख्स को हिरासत में लिया है। जानकारी है कि आरोपी ने खुद को मारने की कोशिश भी की। अब उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस को इस मामले में लीड जसबीर के एटीएम के इस्तेमाल से मिली थी। इससे पहले कॉर्निया के फायर अधिकारियों ने बीते सोमवार को मेरेट के बाहर एक ग्रामीण इलाके में अमनदीप सिंह का आग लगा हुआ ट्रक बरामद किया था। पुलिस ने शक जाहिर किया कि किडनैपर्स ने आग लगाकर सबूत खत्म करने की कोशिश की थी। मस्टर्ड काउंटी शेरिफ वानके ने भी कहा कि चारों के शव बुधवार को शाम को इंडियाना रोड और हसिसन रोड के पास एक पार्क में मिले। पुलिस के अनुसार बाग में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। इन्होंने सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी। चारों को गोली मारी गई। इससे पहले अमेरिकी पुलिस अधिकारियों ने अपहरण की फुटेज जारी की थी। इससे पता चला कि मस्जिद में बंदूक की नोक पर परिवार का अपहरण किया गया था। अंडर शेरिफ कोरी गिब्स ने बताया कि अमनदीप और जसप्रीत को सुबह 8:30 बजे से 8:40 बजे तक के बीच में अपने ऑफिस पहुंचे थे। फुटेज से पता चला कि घटना की रात लगभग 9 बजे जसप्रीत इमारत के बाहर संदिग्ध जीसस मैनुअल सालगार्डो के साथ बातचीत करते दिखाई दी। दोनों गेट की ओर चल पड़े, जिससे सिंह आगे चल रहे थे। गिब्सन ने बताया कि संदिग्ध ने एक सफ़ेद बैग रखे थे, उसके पास उसने एक बंदूक निकाली, फिर चारों को पिकअप ट्रक से ले गया। पुलिस ने बताया कि मैनुअल सालगार्डो इस पहले इनके ऑफिस में काम करता था। वह पहले भी अपहरण के एक केस से सजा काट चुका है। हालांकि उसने ऐसा क्यों किया, इसका पता नहीं चल पाया है। पुलिस को शक है कि परिवार ने उसे नौकरी से निकाला था, कहीं इसी रंजिश की वजह से उसने यह वारदात ना की हो। घटना की जानकारी होशियारपुर के टाड़ा पहुंचने के बाद गांव हरसी पहुंचने के बाद मातम का माहौल बना हुआ। मां कृपाल कौर और अमनदीप सिंह का रो रोकर बुरा हाल है। घटना की जानकारी मिलने के बाद दोनों अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। कृपाल कौर के अनुसार उनके 2 बेटे अमनदीप सिंह और जसदीप सिंह थे, लेकिन दोनों का ही अब कत्ल हो चुका है। उनसे उनके परिवार का सहारा छीन लिया। इस हादसे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर करें। तब तक के लिए बने रहें द खबरदार न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।